अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो मैं कहता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तुम कहाँ अंडा देना तुमने? तुम्हारे को यार कोई जगह क्यों नहीं मिलती है? क्यों परेशान रहती हो तुम? क्यों परेशान रहती हो मुझे ये बताओ। हैं, ये जो है ना हमेशा परेशान रहती है। जब इसने अंडा देना होता ना तब ये परेशान घूमती है पूरा सेटअप पे। इसका बस यही है। चलो एक काम करो, मेरे पास आओ, इधर आओ। सही है, हिलना नहीं, मैं तुम्हारे को लेके चलता हूँ। इसको हम जो है ना एक जगह लेके चलते हैं जहाँ पे मैंने कल देखा है कि मैजिक है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देख। ओए नहीं, यहाँ पे तो ओए काम खराब हो गया। यहाँ पे ऊपर जाके अंडा दो, जाओ यहाँ ऊपर है ना, ऊपर टोकरी में जाके अंडा दे दो। लेकिन टोकरी भी उल्टी पड़ी है। चढ़ो यहाँ ऊपर, तो चढ़ो तुम। इसको मैंने ऊपर चढ़ा दिया, अब मेरी टोकरी को जो है ना थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे अंडा आया हुआ तो है। ये देखें टोकरी के अंदर एक अंडा तो पड़ा हुआ। चलो इसके अंदर अंडा दे दो। ये अंडा उठा लेते हम, ये रहा ये वाला उठा लेते। चलो इसके अंदर बैठ के अंडा दे दो। जाओ अंदर बैठ के अंडा दो। शाबाश यार, अभी आपका भाई जो है ना आपको एक चीज़ दिखाने लगा। मेरी नज़र पड़ी थी यहाँ पर जो है ना, हमारी मुर्गियाँ दे रही हैं अंडे। ये देखें आप, ये वाला तो मैंने अभी उठाया। यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ अंडे दे रही थी और यहाँ पर पड़े हुए थे 6 अंडे, जिसमें से 2 अंडे गायब हैं। भाई साहब यहाँ पे देखें, ये देखें ये टूटा हुआ अंडा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये टूटा हुआ अंडा है। और ये यकीनन हमारी मुर्गियों ने तो नहीं तोड़े, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। क्योंकि हमारी मुर्गियाँ जब अंडे दे रही हैं यहाँ पे तो अपने अंडे नहीं तोड़ती, मतलब उनको अंडा देना होता है और फिर यहाँ से उठ के चली जाती हैं। अब ये अंडे पता कौन तोड़ रहा? ये मुझे पता चला कौवे तोड़ लें। पता है कैसे? ये देखें पहले सारे अंडे जो है यहाँ से, ये देखें पहले मैं कोई बर्तन ले आता हूँ, वरना ये मेरे से एक हाथ में तो उठाए नहीं जाने वाले। ये 5 हो गए टोटल। अभी 1-2 दिन से जो है ना हमारे सेटअप पे कौवे बहुत ज़्यादा आने लग गए पहले की तरह। तो वो यहाँ से आते हैं और खुद देखा है कि जो है ना यहाँ पे जाके वो वाली मुर्गी हमारी कूड़ा को के बैठी है ना, उसको ज़्यादा जाके परेशान करते हैं। अच्छा वो मुर्गी कूड़ा कुई है और हमने उसको अभी तक अंडों पर नहीं बिठाया हुआ यार। मुझे अब कन्फर्म हो गया कि जो है ना ये पक्की वाली कूड़ा कुई है। ये अब जो है ना सिर्फ खाती पीती और अंडों में जाके बैठने की कोशिश करती है। तो ये टोकरी मैं फिर से उठा लेता हूँ यहाँ पे। ये देखें आप, हाँ, टेंशन ना लो, इधर आओ। ये देखें ये पक्का कूड़ा को के बैठी हुई है और इसके नीचे वही 1 अंडा पड़ा हुआ, गर्म भी हो रहा है ये। तो यार इसकी हम कैंडलिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि अगर ये कूड़ा कुई है ना, तो हम जो अभी बाकी अंडे हमने वहाँ पे देखे ना वो सारे इसके नीचे रख देते हैं ताकि इसके ऊपर बैठ गया मस्त होके और फिर जो है ना ये अपना आराम से बच्चे निकाल ले। क्योंकि इसको मेरे ख्याल 3-4-5 दिन तो हो चुके हैं। मैं समझ रहा था ये फर्जी कूड़ा कुई है। अब आप लोग बोलेंगे सलीम भाई हम आपको कब से बोल रहे थे आप इसको अंडों में बिठा दें, अंडों में बिठा दें, आपने नहीं बिठाया, आपने गलत करा। भाई आप लोगों को याद होगा हमारी जो है एक मुर्गी वो वाली जो घूम रही है वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउन वाली, वो ब्राउन वाली जो मुर्गी है ना, आज से ठीक 7-8 महीने पहले वो भी कूड़ा कुई थी जिसको हमने अंडों पे बिठाया भी था, लेकिन वो 2 दिन बाद उड़ गई थी। तो इस वजह से मैं इसको नहीं बिठा रहा था, लेकिन ये कंफर्म पक्की कूड़ा को के बैठी हुई है। चलो जाओ जाओ बाहर जाके घूमो, ये पक्का कूड़ा के भाई। अभी मैं रखता हूँ तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त करता हूँ, फिर इसको यार हम बिठाते हैं इसके अंडों पे ताकि जो है ना ये अंडों को सही तरीके से इंक्यूबेट करे और ये वाले अंडे की हम कैंडलिंग कर लेते हैं। चेक करते हैं हम लोग जो है ना, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। बताओ इसके ऊपर बैठी हुई है 3-4 दिन से बैठी हुई है और अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं बना। तो मतलब ये वाला अंडा हटा के जो है ना हम उसके नीचे ताज़े वाले अंडे रख देते हैं ताकि वो उनको इंक्यूबेट करे। ये वाला तो अनफर्टाइल है, अभी तक कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखा हम लोगों ने इसकी कैंडलिंग कर ली है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब ये वाला जो अंडा है ना हम इसको यहाँ पे रख देते हैं ताकि ये जो है ना खाने में आ जाए। मतलब ये वाला हम जो है इसको ना मशीन में रखेंगे ना कहीं वो रखेंगे। बाकी जो वहाँ पर हमने 5 अंडे छोड़े हैं ना, अभी 5 या 6 जो इकट्ठे हुए हैं, उन अंडों को हम इकट्ठा करके जो है ना यहाँ पे देखते हैं कितने, 1-2-3-4-5 अंडे, इनको जो है ना हम रख देते हैं इस मुर्गी के नीचे और फिर ये भले बैठ गया ऊपर जाके इसको इंक्यूबेट करे और देखते हैं फिर ये बच्चे निकालती या नहीं निकालती है इसके ऊपर। यहाँ पे देखे माशाल्लाह फिर से अंडा आ गया, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखे माशाल्लाह ये फिर से अंडा दे दिया इसने फाइनली। तो यार ये अंडा जो है ना हमारे बहुत काम का तो नहीं है क्योंकि इसमें से बच्चे नहीं निकलने वाले। आप लोगों को पता है ये जो है ना अभी खाली अंडे दे रही है अनफर्टाइल। तो आप लोग कुछ दोस्त कह रहे थे कि सलीम भाई ये वाली मुर्गी को भी जो है ना आप इस मुर्गे के साथ छोड़ दो, ये मुर्गे के साथ मतलब एक ही मुर्गे के साथ 5-5, 6-6 मुर्गियाँ रह जाती हैं। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है ना, हमारी वो वाली मुर्गियों से ज़्यादा खूबसूरत इसका कलर है। चलें जी इसको भी हमने छोड़ दिया है, बाद में इसको जो है ना हम थोड़ी देर बाद जैसे ही आधे 1 घंटे बाद हम इसको अलग कर लेंगे ताकि जो है ना ये अब नेक्स्ट टाइम जो भी अंडा देना तो वो फर्टाइल आए।
ये देखें आपके भाई ने जो है वक्ती तौर जो है तैयार कर दिया टेम्पररी, मतलब जो है मतलब यार मैं जो तरीके से बिठाता हूँ ना, आप लोगों को पता होगा नीचे कोयले की राख वगैरह रख के कोपेक्स पाउडर, तो यार अभी जो है ना वो मैंने टेम्पररी बिछा दिया, क्योंकि वो वाला सिस्टम जो है ना कुड़क पे बिठाने वाला सर्दियों के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, अगर हम इसके नीचे कोयले की राख वगैरह डालेंगे ना तो कुछ ज़्यादा ही हीट हो जाएगी। तो अभी जो है ना मैंने ये थोड़ा सा नेस्ट वेस्ट डाल दिया है, और आज की तारीख आप लोगों ने नोट कर लेनी है, तो आज हम रखने जा रहे हैं इसके नीचे 2 और ये 4, और कुछ अंडे अभी अंदर भी पड़े हुए हैं वो भी मैं ले आके इसके नीचे रखता हूँ, 4 और एक ये 5। तो ये 5 अंडे हम इसके नीचे रख रहे हैं, और ये फुली हेल्दी अंडे हैं, मतलब देखें इनका साइज़ कितना बड़ा है, और सबका साइज़ एक ही है। तो इसके साइज़ के इसी के साथ के अगर कुछ हुए तो हम और रखेंगे, और यहाँ पे तो और कोई अंडा मुझे नज़र नहीं आ रहा, 2 और थे लेकिन यार वो तोड़ दिए गए हैं। तो अभी इसको जो है ना हम लेके चलते हैं ऐसे, अभी आ गए ना। अब कुछ अंडे जो है ना हमने मशीन में रखने के लिए उठाए थे, उसमें से 2-3 अंडे और लेकर आए थे, अभी यहाँ पे 4-5 है ना, तो 2 और रख देते हैं, लगभग 7 या 8 अंडे बहुत हैं। ये आ गया भाई 3 अंडे, और बिल्ली की घमासान लड़ाई हो रही है भाई, कैसी आवाज़ आ रही है। ये हो गए सही है भाई साहब, ओके 2, 4, 6, 8 अंडे हमने रख दिए हैं, और अब जो है ना हमें इंतज़ार है कि वो ब्लैक वाली मुर्गी हमारी ये घूम रही ये ऊपर जाके बैठेगी, और यहाँ से मैं इस मुर्गी को निकालता हूँ यार, जिसको हमने अभी डाला है ना, ये जो दोनों फीमेल है ना ये दोनों मिल के उसको मार रही हैं। अरे ना मारो यार, घर पे जाओ, ये लो जाओ। मेरे को इनका यही समझ में नहीं आता, ये आपस में जो है ना एक ही रंग एक ही नस्ल के हैं, और लेकिन फिर भी इतना जो है ना इनके अंदर और वो क्या बोलते हैं फाइट है, बहुत गलत है यार। ये देखे कितनी बदतमीज है, दोनों मिलके मार रही थी, मैंने देख लिया, अच्छा हुआ, नहीं तो ये उसको जख्मी कर देती। तुम्हारे अंडे हमने ऊपर रख दिए, जाओ 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 अपने अंडों पे बैठो, नीचे नहीं उतरना, देख लिए जाओ जाओ जाओ, नज़र पड़ गई भाई इसकी, जाओ जाओ बैठ जाओ यार। ये जब से अंडों पे बैठने लगी है ना थोड़ी सी कमज़ोर भी हो गई है, ये भी मैं देख रहा हूँ, तो मेरा दिल भी चाह रहा है, नहीं भी दिल चाह रहा है कि यार बिठाऊं भी नहीं बिठाऊं। ये हमारा किंग बजीज का मेल है, लेकिन ये इस तरह बैठा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया इसको। हेलो क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, पता नहीं यार इसको क्या हो गया, ये ऐसे बैठा हुआ, आओ इधर आओ मेरे पास आओ, आओ क्या हो गया तुम्हारे को, हैं वैसे ही बैठे हो, हैं इधर आओ यार, है तो सही, ये देखें एक्टिव है, मेरे ख्याल से शायद वैसे ही बैठा बैठा सो रहा है। और तुम्हारी फीमेल कहाँ है, किस में लगी, ये जल गई फ्लैश। और भाई साहब यहाँ तो दुकान लगाई हुई है इसने, है इसने तो माशाल्लाह दुकान लगाई हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 भाई 16 अंडे दिए हुए इसने, और एक भी बच्चा नहीं है, क्या बात है यार, तुम्हारी रिकॉर्ड है भाई साहब, ये किंग बजीज और किंग साइज के, मतलब इन्होंने मतलब अंडों में भी जो है ना इन्होंने बादशाह दिखा दिए भाई, 16 अंडे मेरी नज़र पड़ी है, 16 अंडे काउंट करें, अगर मैंने गलत काउंट करे ना तो आप लोग कमेंट में काउंट करके मेरे को बताओ कि कितने हैं भाई। यार माशाल्लाह माशाल्लाह कितने सारे अंडे दिए हुए, लेकिन सब खराब है, दूर से पता चल रहा है कि सब खराब है, मतलब खराब अंडे इसने बाहर नहीं फेंके, नए नए देती गई और तो वो और जमा होगा, जैसे नए नए देते ना ये 5-6 अंडे देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें, तो इसके अंदर ये काले काले नजर आ रहे हैं ये सारे खराब अंडे, तो भाई इतने अंडों को तुम कैसे इनक्यूबेट करोगे, इतनी बड़ी तो तुम हो नहीं, अभी भी इसके नीचे तो ये हिलेगी ना तो नजर आएंगे कि कितने अंडे इसके नीचे हैं, ये देख रहे हैं आप, पता नहीं कितने अंडे इसके नीचे हो सकते हैं, मेरे ख्याल से लगभग हम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 20 अंडों का, 20 अंडे इसके नीचे हैं, और उसमें से लगभग टोटली खराब हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक बच्चे नहीं निकाले, और अभी भी कुछ अंडे जो है ना काले काले नजर आ रहे हैं जो खराब हैं, अलग ही पता चलता है, नए अंडे होते हैं ना उनमें एकदम वाइट होते हैं, और जिनके अंदर बच्चे होते हैं ना वो थोड़े से पिंकिश टाइप के होते हैं, मतलब अंदर से जो है ना थोड़ा सा फ्लैश की वजह से अंदर से पिंक सा नजर आ रहा होता है हल्का हल्का, और जो खराब होते हैं ना वो बिल्कुल काले काले डेड नजर आ रहे होते हैं। तो भाई साहब इन्होंने 15-20 अंडे दिए हुए हैं, 16 तो मैंने काउंट करें और सब खराब हैं, अब आप बताओ इनका क्या करें, इनकी मटकी निकालें या फिर इनको लगे रहने दें, क्योंकि इसने अपने पुराने अंडे जो खराब हो गए ना वो अक्सर बजीज बाहर फेंक देते हैं, इसने वो नहीं फेंके बाहर, वो भी अंदर रखे हुए और नए ताजे अंडे और देती गई तो सारे जमा होकर। ये पानी लाया हूँ अपने चूजों के लिए यार, यहाँ हमने जो टर्की के बच्चे अलग करे ना, अरे खुल जा यार, यार ये एक हाथ का चक्कर बड़ा खराब है, एक हाथ से काम ही नहीं होता ये, अब देखो अरे खुल जा यार, अरे भाई साहब ऐसे करते हैं ऐसे, ये लो ये देखें प्यासे हुए थे बेचारे, गर्मी यार बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी हो रही है ना,
यकीन करें, शाम के टाइम मौसम का पता ही नहीं चलता, शाम में रात में ऐसा हो जाता है कि आपको चादर चाहिए, और दिन के टाइम जो है इतनी टायर्ड किस्म की गर्मी होती है ना कि हालत टायर्ड हो रही होती है एकदम। यार सॉरी यार, तुम्हारा भूल गया था मैं कैच खोलना, सबका खोल दिया, एक तुम और एक हमारे टर्की बर्ड दोनों रहेगा यार, इन लोगों को खोलना लाजमी रहता है यार, बड़े बर्ड है ना ये हमारे, तो आ जाओ आ जाओ। सॉरी 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 मैं भूल गया, और यहाँ पे ये झोला नीचे गिरा दिया भाई साहब, ये मुर्गी हमारी जो है ना ये ऐसे ही करेगी, असील वाली मुर्गी हर चीज को जो है ना नीचे नीचे पांव से मार के गिराएगी, मैंने अंडा देना। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरे बच्चे इतना उदास क्यों नजर आ रहे हैं, क्या हो गया है? अच्छा सो रहे थे, नींद पूरी कर रहे थे, जब भी इनका ब्रूडर खोलो तब सोए पड़े रहते हैं, सारा दिन सोते हैं सारी रात सोते हैं। अरे जाग भी लिया करो, हाँ बैठे रहो बैठे रहो, आराम से इंजॉय करो अंदर ब्रूडर के अंदर। अभी यकीन करें मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ, ये देखें। अरे घूम जा, घूम क्यों नहीं रहा, यहाँ से देखें आप, ये देखें आप 37 अंदर का टेम्परेचर 37, हमारे को अंदर का टेम्परेचर चाहिए 32 31। अब ये बड़े हो गए ना, इनके इस साइज के हिसाब से अंदर का टेम्परेचर होना चाहिए 30 30 31 के करीब करीब, लेकिन आज इतनी ज़्यादा गर्मी है कि टेम्परेचर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 37 टेम्परेचर है आज। और अभी यकीन करें फील जो हो रहा है ना वो लगभग 40 40 से ऊपर ही जा रहा है। तो ये देखें बेचारे अंदर कैसे बैठे हुए हैं, मेरा दिल जा रहा है मैं इनका गेट खोल के रखूं, लेकिन जो है ना ये फिर बाहर कूद जाएंगे। अब आपका भाई कोई ऐसा जुगाड़ बनाएगा कि यहाँ से गेट खोल के जो है ना यहाँ से कोई चीज़ मैं टांगूँ ताकि ये बाहर ना आ पाए, और अंदर एयर भी थोड़ी सी जाती रहे ताकि इनका अंदर का टेम्परेचर कम रहे। और भी हैं हमारे यार कुछ बच्चे जो प्यासे हुए पड़े, आ लाया हूँ पानी लाया हूँ, इनको इतनी पहचान है जो ही मैं इस मगे के अंदर पानी लेकर आता हूँ ना तो इनको पता चल जाता है। हाँ मैं डालता हूँ, ये लो डाल दिया, ये देखें, चलो पी लो, ये देखें, हाँ मैंने डाल दिया, उस साइड में डाल दिया, देखो सारे पी रहे, तुम भी पी लो ठीक है। चले जी, अभी जो है आपका भाई जा रहा है छोटू का चारा लेने के लिए, क्योंकि छोटू का चारा खत्म हो चुका है और हमारे रैबिट का भी नहीं है, रैबिट और छोटू दोनों का चारा जो है बिल्कुल खत्म हो गया, और ये बेचारे जो है ना मेरी शक्लें देख रहे हैं, ये देखें खड़ा होकर मुझे बार बार जो है मुंह से पकड़ के खींचता है कि यार मुझे भूख लगी है, तो मैं अभी इसके लिए थोड़ा सा चारा शारा लेकर आ जाऊँ, रैबिट के लिए भी लेकर आ जाऊँ। रात का ब्लॉग है आपका भाई यहीं तक रुकता है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लो, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, दुआ में ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।